हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू को बॉयल करके मैश कर लिया था, और ये दो हरी मिर्च है और एक लहसुन की कली है, और हरी धनिया और अदरक घिस ली है मैंने। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू में नमक डालेंगे। आलू के भरते में थोड़ा सा नमक और मिर्च थोड़ा सा अगर तेज़ रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत लाइट नमक में इसका स्वाद कम पता चलता है। तो ये मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। अगर आप लोगों को कम ही नमक और मिर्च डालनी हो तो भी आप डाल सकते हैं। और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है, हरी धनिया और अदरक डाल देते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने आलू का डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम लोग आलू के पराठे बनाने के लिए आटे को तैयार करेंगे। आटे को तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें नमक थोड़ा सा एक चम्मच डाला था। तो नमक मिलाकर आलू के पराठे बनाएंगे तो वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और कभी फटेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आलू के पराठे हमेशा पॉलीथीन भी किसी भी पॉलीथीन के ऊपर रख कर बेलना चाहिए, तो वो कभी भी फटते नहीं हैं। आप ज़रूर उस तरह से बना के ट्राई करिएगा। तो ये मैंने इस तरह से बेल लिया है, और ये मैंने इस तरह से देखिए सेक लिया है, और ये देखिए आप कभी भी फटेगा नहीं अगर इस तरह से बनाएंगे। तो आप भी ज़रूर इस तरह से ट्राई करिए।